आज का जो टॉपिक है, हमने लास्ट क्लास के एंड तक ब्रेक इवन पॉइंट तक किया था, और ब्रेक इवन के पॉइंट जो आज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बताता है कि कितना कुशन अवेलेबल है बिफोर यू हिट जीरो और नेगेटिव फिगर्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिफाइन्स के भाई, अगर आप लेट सपोज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 1000 और आपकी करंट सेल्स जो है वो 1200 यूनिट्स है, तो इसका मतलब आपके पास 200 यूनिट्स का जो है वो डिफरेंस है, और 200 यूनिट्स अगर आप उससे भी ज्यादा फॉल कर देते हैं तो आप जो है वो जीरो पे आ जाएंगे या लॉस मेकिंग में चले जाएंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है। क्या आपके पास डॉलर्स में कितनी सेल का क्वेश्चन अवेलेबल है, जैसे कि मैंने अभी बात की, अगर आपका करंट वॉल्यूम ऑफ सेल जो है वो 1200 डॉलर्स है और 1000 पे आपका ब्रेक इवन आ जाता है, तो आपके पास सेफ्टी के कितने डॉलर्स है, 200 डॉलर्स। मतलब 200 डॉलर से अगर आपकी सेल फॉल करती है तो आप जीरो पे आ जाएंगे, और उससे ज्यादा फॉल करेगी तो आप लॉस में चले जाएंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है कि भाई कितना आपके पास कुशन अवेलेबल है बिफोर यू हिट जीरो और गो टुवर्ड्स लॉस। इसी तरह ये क्वांटिटी में भी अवेलेबल हो सकता है। लेट्स सपोज 200 यूनिट्स की करंट सेल है, 150 यूनिट्स पे ब्रेक इवन आ जाता है। अब मेरे पास 50 यूनिट्स का कुशन अवेलेबल है। अगर मेरी सेल 50 यूनिट से फॉल करती है तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, 51 यूनिट से फॉल करेगी तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। तो ये बेसिकली हमें क्या बताता है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट बाय विच एक्चुअल सेल्स कैन ड्रॉप विदाउट इनकरिंग एनी लॉस। तो अगर इस केस के अंदर मैं 50 से ड्रॉप करूंगा तो मैं जीरो पे आ जाऊंगा, ब्रेक इवन हो जाएगा, लॉस नहीं होगा, इसके बाद जो है वो लॉस स्टार्ट हो जाएगा। जिस कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना कम होता है उसका हायर रिस्क होता है, बिकॉज अगर आपका 100 यूनिट पे ब्रेक इवन है और आपकी अभी की करंट सेल 102 है, तो इसका मतलब 2 यूनिट से सेल गिरी तो आप लॉस में चले गए। दैट मींस कि आप उतने ही ज्यादा रिस्क पे, कि जरा सी फ्लक्चुएशन आई आपकी सेल्स के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, तो आप जो है वो लॉस मेकिंग यूनिट बन जाएंगे। फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अगर परसेंटेज टर्म्स में हमें चाहिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने यूनिट्स है मेरे पास डिवाइडेड बाय मेरी टोटल सेल्स कितनी है मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो मेरे पास ये वो यूनिट की परसेंटेज आ जाएगी जो परसेंटेज में आ जाएगी, कि इतने परसेंट से अगर मेरे यूनिट ड्रॉप हो गए तो मैं लॉस मेकिंग हो जाऊंगा। सिमिलर ये डॉलर में अवेलेबल होगी रेवेन्यू, और रेवेन्यू बजटेड रेवेन्यू था कितना ये बताएगा, कितने परसेंट मेरी डॉलर सेल्स ड्रॉप हो गई तो मैं जो है लॉस मेकिंग यूनिट हो जाऊंगा। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट सपोज एक कंपनी है जिसकी जो है सेलिंग प्राइस जो है वो 40 डॉलर है, एक प्रोडक्ट बेचती है, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मेरे पास 30 डॉलर है, ठीक है। तीसरी चीज है मेरे पास इसकी जो फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है वो 70,000 डॉलर है, और वो कह रहा है कि करंट बजटेड सेल्स जो है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 8,000 यूनिट। क्वेश्चन इसी को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो स्टेप नंबर वन क्या है, अगर हमें मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में भी किया था, हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस मेरे पास 40 है, वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास 30 है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है ना 10 पर यूनिट है, तो डिनोमिनेटर तो आ गया मेरे पास 10 डॉलर पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट मेरे पास गिवन है 70,000 यूरो, तो मेरे पास जो ब्रेक इवन क्वांटिटी है वो 7,000 यूनिट है, नंबर वन। ओके, सेल्स मेरी बजटेड कितनी थी 8,000, ब्रेक इवन में कितने यूनिट्स पे हो रहा हूँ 7,000, 1,000 यूनिट्स जो है वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये मुझे क्या बता रहा है, अगर मेरी सेल 1,000 यूनिट से ड्रॉप करेगी तो मैं जीरो पे आ जाऊंगा। अगर अब मैं इसी को अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इन परसेंटेज टर्म्स तो मैं क्या करूंगा, 1,000 यूनिट का ड्रॉप आएगा ऑन अ सेल ऑफ 8,000 यूनिट्स, ये आ जाएगा 12.5%। यूनिट में फॉल आया तो मेरी जो मेरा पॉइंट है, मेरी कंपनी जो है वो कहाँ पे आ जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएगी। अब यही चीज 1,000 यूनिट्स ही है, मैंने इसको परसेंटेज टर्म्स में मेंशन कर दिया,
कि 12.5% से अगर सेल ड्रॉप हुई यूनिट्स के अंदर, तो मेरी कंपनी कहाँ पे आ जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ टॉपिक है वो है टारगेट प्रॉफिट। तो जब अभी कंपनी ने मैनेजमेंट डिसीजन के लिए ये तो आइडिया लगा लिया कि कितने लेवल ऑफ सेल्स पे मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, तो कंपनी नेक्स्ट पॉइंट में ये फाइंड आउट करना चाहती है कि व्हाट इफ कंपनी ने अपना कोई टारगेट सेट किया हुआ, कि भाई कंपनी का टारगेट है कि मुझे इस सीजन में, इस ईयर के अंदर 1 लाख की प्रॉफिट भी चाहिए। अब 1 लाख का प्रॉफिट तो कंपनी ने सेट कर लिया, लेकिन उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल कहाँ से होगी, हमें इसी सिस्टम को यूज करना पड़ेगा कि अगर कंट्रीब्यूशन इतना आ रहा है एक प्रोडक्ट का, फिक्स कॉस्ट भी इतनी है, तो कितने यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा टारगेट प्रॉफिट मीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीवीपी एनालिसिस ही यूज करते हैं टू फाइंड आउट कि वो कौन सी क्वांटिटी है, कितना यूनिट बनाएंगे, कितने डॉलर्स की सेल करेंगे, तो हमें क्या अचीव हो जाएगा, हमारा टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो टारगेट प्रॉफिट के अंदर भी हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सीवीपी एनालिसिस का यूज करेंगे। ये हमें क्या बताएगा, कितनी वॉल्यूम ऑफ सेल करनी है हमें, नंबर वन, कितने डॉलर्स की सेल करनी है हमें टू अचीव व्हाट इज आवर टारगेट प्रॉफिट। तो टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल है, जब हमने ब्रेक इवन अचीव करना था तो हम सिर्फ फिक्स कॉस्ट को टारगेट रख के बैठे थे, जब हमने प्रॉफिट अचीव करना है तो हम कह रहे हैं फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। तो मुझे टोटल को कंपनी को इतने डॉलर्स चाहिए जिसमें क्या हो जाएगा, कंपनी ब्रेक इवन भी कम कर कवर कर लेगी और कंपनी प्रॉफिट भी कवर कर लेगी, डिवाइडेड बाय अगर मुझे इतने डॉलर्स चाहिए और एक यूनिट की सेल मुझे लेट्स सपोज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इतना लेके आ रही है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कितने यूनिट्स बनाऊंगा जिससे मेरा फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाएगी और मेरा टारगेट प्रॉफिट भी अचीव हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे ये पता करना है कि कितने डॉलर्स की सेल करूं, तो मैं टोटल फिक्स कॉस्ट भी ले रहा हूं और टारगेट प्रॉफिट भी ले रहा हूं, तो मैं कह रहा हूँ मुझे इतना डॉलर चाहिए, जबकि मुझे पता है एक प्रोडक्ट के ऊपर इतने परसेंट की सेविंग है, एक डॉलर की सेल पे मुझे इतने परसेंट की सेविंग है, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, डॉलर में वो अमाउंट मिल जाएगी सेल्स की जो कि मैं करूंगा, तो जिसमें से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाएगी और मेरे पास वो प्रॉफिट की अमाउंट भी आ जाएगी जो मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया हुआ। इसका फॉर्मूले से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कंपनी जो है एक प्रोडक्ट बेचती है जिसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो $5 है, डेटा में गिवन है, और सेलिंग प्राइस जो है वो $9 पर यूनिट है, एक बात हो गई। तो हम यहाँ से सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज $4 पर यूनिट। ओके, नेक्स्ट स्टेप, फिक्स कॉस्ट जो है कंपनी की 6 लाख है पूरे साल की, और कंपनी कह रही है मुझे प्रॉफिट कमाना है 1 लाख का, 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है, तो कंपनी को कम से कम कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट करना पड़ेगा, 7 लाख का। 7 लाख का कंट्रीब्यूशन आएगा तो उसमें से 1 लाख की फिक्स कॉस्ट, 6 लाख की फिक्स कॉस्ट माइनस होगी तो कंपनी को प्रॉफिट आएगा 1 लाख का। तो कंपनी को जनरेट करना है 700,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट करना, ठीक हो गया, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट करेगी उसमें से इतनी फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी तो इतना प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, अगर 7 लाख का कंट्रीब्यूशन जनरेट करना है और एक यूनिट जो है वो 4 डॉलर्स पर यूनिट कंट्रीब्यूट कर रही है, तो कितने यूनिट बेचूंगा, तो 7 लाख हो जाएगा, तो 175,000 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरे पास 7 लाख रुपया आ जाएगा, जिसमें से 6 लाख फिक्स कॉस्ट है और 1 लाख मेरा जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। 175,000 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ, ये वो यूनिट्स है जो कंपनी सेल करेगी तो कंपनी को क्या होगा, 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, सिंपल काम है, अगर 175,000 यूनिट है और एक की प्राइस जो है वो $9 है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं 15,75,000 की सेल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो वॉल्यूम ऑफ सेल आ जाएगा जिसपे कंपनी को कितने का फायदा होगा, $1 लाख का। मल्टी प्रोडक्ट में क्या है, अभी तक हम ये बात करें कि कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रही है और एक ही प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए और बेचे, टारगेट मार्केट भी डिफरेंट हो सकती है, प्रोडक्ट भी डिफरेंट हो सकते हैं, इवन शेयर भी डिफरेंट हो सकता है। उस केस में सीवीपी एनालिसिस कैसे काम आएगा, तो सीवीपी एनालिसिस क्या करता है, उसमें भी हेल्प करता है, लेकिन सीवीपी एनालिसिस पहले ही कुछ एडजस्टमेंट आपको कहता है कि ये अपने ज़हन में रखना बिफोर डूइंग दिस एनालिसिस।
एक बात कि जितनी भी प्रोडक्ट बेचेंगे, लेट सपोज अगर कंपनी दो प्रोडक्ट्स बेच रही है, ए और बी, ए के 2 यूनिट बेचती है, बी का 1 यूनिट बेचती है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये वाली रेशियो मेंटेन रखेगी चाहे जो भी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो जाए। लाइक अगर कंपनी 3 यूनिट बेच रही है तो तब भी 2 ए के होंगे और 1 बी का होगा। कंपनी 10,000 यूनिट बेच रही है तो तब भी क्या होगा, इसी प्रोपोर्शन के अंदर 2 और 3, 6,666 ए के बिकेंगे, 3,333 बी के बिकेंगे। तो कंपनी अपनी जो रेशियो है प्रोडक्ट सेलिंग की वो चेंज नहीं करेगी, ठीक हो गया। सेकेंड बात, अगर हमें मल्टी प्रोडक्ट एनालिसिस करना है तो हमें दो चीजें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एक तो हमें फाइंड आउट करने का वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दूसरा हमें करना पड़ेगा अगर हम बैचेस में बना रहे हैं तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर बैच, और तीसरी चीज फाइंड आउट करने पड़ेगी वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ये हम ऑलरेडी करते आए हैं बट हम लोगों ने सिर्फ ये वाला पोर्शन अभी तक किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला। फिर हमने किया कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी फाइंड आउट की हुई। अब कह रहे हैं कि वेटेड एवरेज का क्या मतलब है कि जिस प्रोडक्ट का जितना कंट्रीब्यूशन में शेयर है उसके हिसाब से आप पूरी कंपनी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें। तो थ्योरेटिकली शायद इस बात को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो, लेकिन मैं इसके एक क्वेश्चन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो वो आपको सिर्फ ये बता दूं कि फॉर्मूला जो दो यूज हो रहे हैं वो कौन से, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला वही है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच। ब्रेक इवन पॉइंट अगर मुझे डॉलर्स में फाइंड आउट करना है तो वही फॉर्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा जरा इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। दो कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, एक प्रोडक्ट एक्स है, एक प्रोडक्ट वाई है। एक्स की सेलिंग प्राइस 100 है, वाई की सेलिंग प्राइस 120 है। एक्स का वेरिएबल कॉस्ट 75 है, वाई की वेरिएबल कॉस्ट 111 है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका 25 आ गया। कैसे आ गया? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे आ गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास ये 9 आ गया और ये 25 आ गया। करंटली कंपनी क्या कर रही है, एक्स के जो है वो 15,000 यूनिट बेच रही है और वाई के 5,000 यूनिट बेच रही है। तो पहले अगर मैं इसी का फॉर्मूला थोड़ा सा निकाल लूं कि टोटल कंपनी कितने यूनिट बेच रही है, 20,000 यूनिट बेच रही है, ठीक हो गया। 20,000 यूनिट में से 15,000 जो है वो एक्स है, 5,000 जो है वो वाई है। इसका मतलब 25% सेल जो है वो वाई की है, 75% सेल जो है वो एक्स की है। टोटल ये हो गई हमारे पास 100% सेल। तो जो पहली बात हमने की थी कि अपना प्रोपोर्शन नहीं छोड़ेगी, मतलब कोई भी लेवल ऑफ सेल हो, 1 लाख पे अगर कंपनी पहुंच जाती है तो 1 लाख यूनिट की सेल में भी 75% सेल एक्स की होगी, 25% सेल जो है वो वाई की होगी, ठीक हो गया। ये था वो बात कि हम कह रहे हैं कि प्रोपोर्शन कभी नहीं छोड़ेगा, एक बात होगा, ठीक है। इसी तरह अगर सेल्स का मिक्स देख लो तो अगर कंपनी 4 यूनिट बेच रही है, 4 यूनिट्स बेच रही है, तो 75% मतलब 3 यूनिट जो होंगे वो एक्स के, 25% 1 यूनिट जो है वो वाई का। अब आगे बात रेशो की, रेशो कितने किस तरह आई, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 0.25 का कैसे आई, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। $25 का कंट्रीब्यूशन है, $100 की सेल है, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो के आगे 25%। $9 का कंट्रीब्यूशन है, $120 की सेल है, कंट्रीब्यूशन के आगे 7.5%। यहाँ पे आ गया 25%, यहाँ पे आ गया 75%। और जो लास्ट चीज दी हुई है वो कंपनी की फिक्स कॉस्ट दी हुई है 3,15,000। मैं एक दफा रब करके भाई मैथ्स दोबारा करने लगे तो प्लीज पे अटेंशन कीजिएगा, जहां से आप पार्ट छोड़ते हैं वहीं से मिस हो जाता है मेरे ख्याल में, कोई मसला नहीं, एक दफा रिपीट कर देते हैं, टेंशन नहीं है। कंपनी दो प्रोडक्ट्स बना रही है, एक्स और वाई। सेलिंग प्राइस जो है वो $100 पर यूनिट है और Y की जो है वो $120 पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो बेटे हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है, सही हो गया। कंपनी में डेटा ऑलरेडी गिवन है, वो कह रहा है 15,000 यूनिट एक्स के बेचते हैं, Y के 5,000 बेचते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। टोटल कितने यूनिट बेचे हैं कंपनी ने, 20,000 यूनिट बेचे। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 20,000 में से 15,000 जो है वो एक्स के हैं, या 75% सेल जो है वो एक्स की है? डिवाइड कर लो 15,000 को 20,000 से, 0.75 आंसर आएगा,
0.75 मीन 75% है, और 5,000 आउट ऑफ जो 20,000 है वो जो है 25% जो है वो किसके, वाई के। तो मैं कह रहा हूँ 75, जो भी कंपनी सेल करेगी 75% एक्स सेल करेगी और 25% जो है वो वाई सेल करेगी। इसी तरह उसने सेल्स मिक्स का बता दिया, उसने बोला है कि अगर कंपनी 4 यूनिट सेल करती है तो उसमें से 3 जो है वो एक्स के होंगे, 1 जो है वो वाई का होगा। 3 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 75% एक्स सेल होगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 25% वाई सेल होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात उसने बताई कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला बेटे यही होता है, 25 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो 25 का कंट्रीब्यूशन है, 100 की सेल है, डिवाइड किया तो 0.25 और 25% आ गया। 9 डिवाइडेड बाय 120 हो गया, तो 7.5% का आ गया कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तीसरी चीज जो गिवन है वो फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 3,15,000। वो कह रहे हैं कि अगर कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बेचती है तो आप ये कैलकुलेट करके बता दें कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, नंबर वन यूनिट्स में भी और सेलिंग प्राइस में भी। अब हमें ये पता है रेशियो हमें बता दी उसने 3:1, दैट मीन्स अगर कंपनी 4 यूनिट्स बेचेगी, 3:1 का मतलब अगर 3:1 लिखा होता है तो इसको हम कहते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3+1=4, टोटल 4 है और 4 में 3 जो है वो एक्स है, 1 जो है वो वाई, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3:1 कि अगर 3:1 लिखा हो तो इसका मतलब है कि 3 out of 4 एक्स है, 1 out of 4 जो है वो वाई है। ठीक है, ये रेशो पढ़ने का तरीका है, एक बात होगी। तो उसने आगे ये बता दिया कि 15,000 यूनिट एक्स के बिकेंगे तो 5,000 यूनिट जो है वाई के बिकेंगे, क्योंकि प्रपोर्शन क्या है 3:1। टोटल यूनिट कितने बेच रही है कंपनी, 20,000, दिस प्लस दिस, एक बात हो। ओके, तो अगर कंपनी फर्ज कर ले 4 यूनिट ही बेचती है, अभी मैं कोई और बड़ी बात नहीं कर रहा, एक तरीका 4 यूनिट में से 3 जो है वो एक्स है, 1 जो है वो वाई है। 100% अगर कंपनी सेल करती है तो 75% जो एक्स है, 25% जो है वो वाई है। तो अगर मैं इसी प्रोपोर्शन में चलूं कि कंपनी एक्स और वाई इसी प्रोपोर्शन में बेचेगी तो हर 3 यूनिट बेचने पे उसको कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 25 का, नंबर वन, प्लस हर 1 यूनिट पे उसको कंट्रीब्यूशन मिलेगा 9 का। ये कंपनी की 100% सेल होगी एक ऑर्डर की, या एक एजम्पशन ले लें कि ये साइकिल एक कंपनी का चलता है, हर 3 के बाद हर 3x के बाद 1y आ रहा है, या हर 1y के बाद 3x आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि एक पूरा जो है कंपनी का प्रोपोर्शन पूरा हो जाएगा। तो अगर 3 यूनिट एक्स के हैं और हर एक्स के ऊपर $25 मिल रहा है और 1 यूनिट वाई का है तो उसके ऊपर $9 मिल रहा है, तो हमें टोटल इस पूरे ऑर्डर के ऊपर $84 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मैंने ऐड कर लिया। तो मैं कह रहा हूँ अगर कंपनी इसी प्रोपोर्शन में सेल करती है 3:1, तो हर 3x के बाद 1y बेच रही है, या 1y के बाद 3x बेच रही है, तो कंपनी का एक प्रपोर्शन जो सेट है वो पूरा हो गया और हर उसके ऊपर जो है उसको $84 की सेविंग हो रही है। $84 कैसे, 3 यूनिट पे 25, 1 यूनिट पे 9, तो कंपनी की टोटल एक बैच या इस प्रपोर्शन में जो बैच है उसकी सेविंग जो है वो $84 है। ठीक है, 3,15,000 फिक्स कॉस्ट है, एक बैच के ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है 84, तो टोटल कंपनी को 3,750 बैचेस बनाने, तब जाके क्या आ जाएगा आपके पास ब्रेक इवन आ जाएगा। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कंपनी 15,000 एक्स बेच रही है, 5,000 वाई बेच रही है, इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 कि जब भी सेल होगी 3x होगा 1y होगा। तो मैंने कहा इस तरह के कितने पैकेजेस बेचेगी 3x और 1y, तो ब्रेक इवन आ जाएगा। तो हमें ये पता चला कि 3x और 1y बेचने पे कंपनी को 84 की बचत है, और 3,15,000 पूरा करने के लिए 3,750 बैच बेचेगी तो क्या मिलेगा, हमें ब्रेक इवन आएगा।
सही हो गया। यहां तक की बात अगर क्लियर है तो मैं स्टेप टू ऐड करता हूं। जी चले आगे। ओके एक्सीलेंट। स्टेप नंबर टू, अब हमें 3750 मिनिमम बेचने तब हमें ब्रेक इवन मिलेगा। तो अगर वाई 3750 होगा तो एक्स कितने होंगे, 11250 होंगे। कैसे, 3750 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ जाएगा 11250। तो मैं कह रहा हूं 11250 एक्स के बिकेंगे, 3750 वाई के बिकेंगे, तो हम कहां पे आ जाएंगे, हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा जिस पे हमें ब्रेक इवन हो रहा। ठीक हो गया। इसको अपनी अपनी इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास डॉलर में सेल आ गई कि 15,75,000 डॉलर की मैं सेल करूंगा तो मेरे पास ब्रेक इवन आएगा। तो एक दफा राउंड अप दोबारा कर दूं, सबसे पहले तो मैंने प्रोपोर्शन निकाली है, 1:3 का रेशो है। अब मैंने कहा जी कि अगर 3:1 का रेशो है तो टोटल 84 की बचत आएगी जब भी ये 3 और 1 कंप्लीट होगा। दैट मीन्स एक वाई का बिक गया, 3 एक्स पे बिक गए, तो कंपनी को 84 का फायदा हो जाएगा। और कंपनी ने यही कहा है हम इसी रेशो में बेचेंगे, हमेशा 3 एक्स बेचेंगे 1 वाई बेचेंगे, या 1 वाई बेचेंगे और फिर 3 एक्स बेचेंगे। टोटल कंपनी को 20,000 यूनिट बेचने, जिसमें से 15,000 एक्स है और 5,000 वाई है। तो हमने बोला है कि कम अज कम कितने बैच बनाने पड़ेंगे हमें, हमने कहा 3,15,000 की हमारी फिक्स कॉस्ट है। एक बैच मीन्स 3:1, 3x 1y, 84 की सेविंग है। तो 3,750 बैच बनाएंगे तो हम लोग ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर टू, अब हमने उस बैच को कन्वर्ट करना यूनिट्स के अंदर। यूनिट्स किस तरह चल रहे हैं, हमने कहा कि बैचेस को मल्टीप्लाई कर दो इस रेशो के साथ। 3,750 बैच बनने और एक बैच की रेशो क्या है, 3:1। हर बैच में क्या होंगे, 3 एक्स बनेंगे और 1 वाई बनेगा। तो मैंने कहा टोटल एक्स कितने बनाऊंगा, 3,750 बैच है और हर बैच में 3 एक्स बनेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 11,250 एक्स। वाई के साथ करूंगा तो 3,750 वाई। तो 3,750 बैच है, हर बैच में 3 एक्स है और 1 वाई है। तो मैंने क्या कर दिया, 3,750 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो मेरे पास आ गया 11,250, 3,750 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया तो आ गया मेरे पास 3,750। तो मैंने कहा कि अगर 3,750 बैच बनाने हैं तो उसमें 11,250 एक्स बनाऊंगा, 3,750 जो है मैं वाई बनाऊंगा। एक बात, एक्स की सेलिंग प्राइस 100 है, क्वेश्चन में गिवन है। वाई की सेलिंग प्राइस 120, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल रेवेन्यू है, या इतने डॉलर्स की मैं सेल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। बट में डाटा सेम वही है, 100 डॉलर्स, 120, 25, 9, सारा क्वेश्चन सेम है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी गिवन है, ये भी गिवन है। वो कह रहा है ब्रेक इवन रेवेन्यू यूजिंग सीएस रेशियो एंड फ्रॉम दिस कैलकुलेट यूनिट सेल्स। ये अभी हम लोग अभी जिसे कहते हैं ना करके भी आए, हमें कह रहा है ब्रेक इवन रेवेन्यू चाहिए, लेकिन अब क्या यूज करना है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो यूज करनी है। एक बात, और उससे इसको यूज करते हुए अपने यूनिट सेल फाइंड आउट करनी है। हमने अभी भी किया है, लेकिन अभी हमने उल्टा किया था, यूनिट सेल से हम लोग ब्रेक इवन सेल्स पे गए थे, अब वो कह रहा है वाइस वर्सा अगर रिवर्स आना हो। एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन हमने अभी निकाला, 84 का एक बैच का आता है। ये हमने अभी फाइंड आउट किया कि अगर ठीक है 3 एक्स बेचने हैं और 1 वाई बेचना है तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, 3 एक्स बेचने का रेवेन्यू ये है, 1 वाई बेचने का रेवेन्यू ये है, तो एक बैच बेचने का टोटल रेवेन्यू होगा 420। बैच की बात नहीं भूलना, एक बैच में क्या आ रहा है, 3 एक्स है और 1 वाई का यूनिट है। तो हमने बोल दिया ठीक है, X की जो सेलिंग प्राइस है 100 है, Y की जो सेलिंग प्राइस है 120 है, हमने कहा इन दोनों को ऐड कर लेंगे
एक बैच की टोटल सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। तो $420 का एक बैच होना है, दैट मीन्स 3 out of every 420 विल बी सेलिंग फ्रॉम एक्स एंड 120 वुड बी सेलिंग फ्रॉम वाई। तो वो कह रहा है कि 420 का अगर एक बैच है तो इसमें से 300 जो है वो एक्स का रेवेन्यू है, 120 जो है वो वाई का रेवेन्यू है। अब वेटेड एवरेज आ गए, वो कह रहे वेटेड एवरेज रेशियो क्या निकलेगी, 420 की सेल के ऊपर 84 की सेविंग है। 84 की सेविंग कैसे है, ये वन है, 3 यूनिट है, हर यूनिट पे 25 की बचत है, 1 यूनिट है, हर यूनिट पे 9 की बचत है, इन सबको मैंने ऐड कर लिया तो $84 का कंट्रीब्यूशन आ गया। $84 का कंट्रीब्यूशन आ गया ऑन अ सेल ऑफ 420, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 0.20। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू। लास्ट चीज आ गई, 3,15,000 की फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स मार्जिन, तो सेल्स रेवेन्यू कितना आ जाएगा, 15,75,000। अभी भी हम यही फाइंड आउट करके आए हैं और ऐसे भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी को प्रोपोर्शन में चलूं जी, 15,75,000 की सेल है, एक बार टोटल कितने की सेल करनी है मुझे, 15,75,000। इस सेल के अंदर क्या है कि हर एक बैच जो है वो 420 का है और 420 में से 300 एक्स है और 100 जो है वो वाई है, 120 जो है वो वाई है। मैं कह रहा हूं कि एक्स की कितनी सेल होगी, वाई की कितनी सेल होगी, तो मैंने सिंपल कर लिया, 15,75,000 की सेल है डिवाइडेड बाय 400 कर दूंगा तो एक बैच का रेवेन्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 300 कर दूंगा क्योंकि यही रेशियो है ना, 300 डिवाइडेड बाय 420 की, सॉरी तो मेरे पास किसकी सेल आ जाएगी, टोटल एक्स की सेल आ जाएगी। इसी तरह 120 डिवाइडेड बाय 420 को 1575 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4,500 की सेल आ जाएगी। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, 15,75,000 की सेल में से एक्स की सेल कितनी है, वाई की सेल कितनी है। अगर इस तरह से अगर मुश्किल भी आए तो 300 डिवाइड बाय 420 करके तो हम इसको परसेंटेज टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 300 की अगर मेरी सेल है आउट ऑफ टोटल 400 की 20 सेल का, तो मेरे पास ये आ रहा है 71% जो सेल है वो एक्स की है और बाकी जो 29% है वो वाई की है, तो 15 को इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर वाई का वाई आएगा। तो बेसिकली हम दो डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि दोनों का आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप टॉप टू बॉटम आ जाओ या बॉटम टू टॉप चले जाओ, उसमें भी हमें ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा था वो 15,000 यूनिट्स का ही आ रहा था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये अब आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि इस क्लास के एंड पे यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सेम वही है, दो प्रोडक्ट्स हैं अल्वारो और बेजन, 12th एडिशन है, ऑलरेडी शेयर्ड विद यू है बुक। वो कह रहा है कि अगर यही सेल मिक्स रखें, यही सेल मिक्स का मतलब है 200 यूनिट जब अल्वारो के बनेंगे तो 80 जो है वो बेजन के बनेंगे, हर एक की जो प्राइस है वो 4 और 6 भी गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है। हमें सेम इसी मेथड से जिससे अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, फिक्स कॉस्ट भी हमें पर मंथ गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूरोस क्या आएगा, और हमारे पास जो है पार्ट सी के जो पार्ट टू है इसके अंदर क्या होगा, एक नई प्रोडक्ट भी ऐड हो रही कैनो और उसकी सेलिंग प्राइस भी गिवन है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा इन यूरोस एंड सेल्स में। क्वेश्चन का जो सजेस्टेड सॉल्यूशन है मैंने नीचे ही पोस्ट किया हुआ है, प्लीज एक दफा अटेम्प्ट कीजिएगा, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन रीच आउट टू मी ओवर व्हाट्सएप। इस सेशन के एंड होते ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आई विल बी ऑन व्हाट्सएप VLE जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है टिल 6। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो जस्ट लेट मी नो ताकि हम उसको सॉल्व कर सके। इसमें एक जो बात अभी तक हमने नहीं पढ़ी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था। हमने कहा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, हमारा क्वेश्चन है
एक्टिविटी हमें दी हुई है कि बजटेड एक्टिविटी कितनी है, 20,000 यूनिट बनाने हमें, ठीक हो गया, जिसमें से ब्रेक इवन पॉइंट किस पे आ रहा है, जो बैचेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे पास 3,750 बैचेस हैं और 5,000 यूनिट्स के बजटेड एक्टिविटी के हिसाब से बैचेस है। 5,000 कैसे आए क्वेश्चन के अंदर डाटा में, अगर आपको याद हो 3,750 हमने वो बनाने हैं एक्स और 1,250 बनाने हमने वाई, टोटल ऐड कर दिए तो मेरे पास 5,000 टोटल बैचेस है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट के बैचेस भी आ गए 3,750, 3,750 था तो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था 11,250 यूनिट्स, और बैचेस में डिफरेंस याद रखना, ये यूनिट्स हैं और ये बैचेस हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया तो मेरे पास 15,000 वो आ गए यूनिट्स आ गए, ठीक हो गया। हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, तो अगर मुझे 5,000 बैच बनाने हैं, 5,000 बैच बनाऊंगा तो 20,000 यूनिट बनेंगे, कैसे, 5,000 बैच में अगर 3:1 चलाना है तो 5,000 बैच में एक्स कितना बनेगा 15,000, वाई कितना बनेगा मेरे पास 5,000, दोनों को ऐड करूंगा तो मेरी बजटेड सेल्स आएंगी 20,000 यूनिट्स की। अगर 20,000 यूनिट्स की सेल है तो रेवेन्यू कितना होगा, हमने फाइंड आउट कर लिया, रेवेन्यू कैसे आएगा, 15,000 एक्स है, एक्स की सेलिंग प्राइस है 100, 5,000 वाई है, उसकी सेलिंग प्राइस है 120, दोनों को ऐड कर लिया तो 21 लाख की सेल होगी अगर मैं 20,000 यूनिट बनाऊंगा। 20,000 यूनिट के लिए मुझे 3:1 के हिसाब से कितने बैच बनाने पड़ेंगे, 5,000 बैच बनाने पड़ेंगे, एक बात, नंबर वन। नंबर टू, पेन चेंज करो, कलर चेंज करिए, 3,750, 3,750 बैचेस बनाऊंगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, क्या पीछे हम पार्ट में निकाल के आए, जिसमें से 11,250 एक्स है, 3,750 जो है वाई है, टोटल 15,000 यूनिट्स बनेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो अब वो कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, 1,250 बैचेस का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आया, सेल्स माइनस ब्रेक इवन। इसी तरह 20,000 यूनिट बनाने पे बजटेड सेल है 15,000 पे ब्रेक इवन है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5,000 यूनिट है, और अगर मैं जो डॉलर्स में फाइंड आउट करना हो तो $450,000 का मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, दैट मीन्स 25%, 1250 डिवाइडेड बाय 5,000, 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 और 450,000 डिवाइडेड बाय 21 लाख, तो 25% इज माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, जो आपके पास क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय सेल, क्वेश्चन आपके पास क्या था 1,250 का, सेल आपके पास 5,000 थी, डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी।